प्रदेश बीजेपी में मची उछल पुछल के बीच यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। इससे पहले सभी विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिल चुके हैं। ऐसे में सीएम के बाद डिप्टी सीएम से विधायकों की मुलाकात होना अपने आप में बहुत बड़ा है। वैसे भी दोनों के बीच कथित अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम ने विधायकों से मिलकर उन्हें खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 2017 के फॉर्मूले के तहत ही 2027 में काम करें, क्योंकि इसी फॉर्मूले से सपा को हराया जा सकता है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 के मुताबिक ही सोशल इंजीनियरिंग करने और समाज के दबे कुचले लोगों की बात सुनने और उनको प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। हालांकि डिप्टी सीएम के संदेश को लेकर सियासी गलियारों में कुछ और ही चर्चा थी, क्योंकि जब से केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सरकार से बड़ा है वाला बयान दिया है, तब से ये दावा किया जा रहा है कि उनमें और सीएम योगी के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही है। फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधायकों को जो संदेश दिया है वो आगामी चुनाव को लेकर है। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम भी लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव जैसा हाल इस चुनाव में ना हो। लेकिन जो समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं उनमें डिप्टी सीएम का नामौजूदगी ढेरों सवाल खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि सीएम की पिछली दो बैठकों का केशव प्रसाद मौर्य हिस्सा नहीं बने, या तो उन्हें बुलाया नहीं गया या वो जानकर बैठक में नहीं पहुंचे। और अब दिल्ली में दोनों नेताओं का आमना सामना होगा, क्योंकि नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।